हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईकॉम इनसाइडर। इस वीडियो का टॉपिक है प्राइम बैच के बेनिफिट्स क्या हैं और सेलर्स अमेज़न पर इजी शिप प्राइम कैसे इनेबल कर सकते हैं। 2016 में अमेज़न ने इंडिया में प्राइम की शुरुआत की, तब प्राइम बैच फुलफिलमेंट सेंटर में प्रोडक्ट रखने के बाद ही मिलता था। उसके बाद उसे इजी शिप डिलीवरीज के लिए इनेबल किया गया। प्राइम बैच के मेन तीन बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट, विजिबिलिटी। इससे आपके प्रोडक्ट की सर्च विजिबिलिटी और स्ट्रांग हो जाती है। सेकेंड, मोर ऑर्डर्स। फास्टर डिलीवरी होने की वजह से ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं, उससे ऑर्डर का फ्लो बढ़ता है। एंड थर्ड, डील पार्टिसिपेंट्स। प्राइम बैच से आप लाइटनिंग डील, डील ऑफ द डे और बेस्ट डील में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब प्राइम को इनेबल करने के क्राइटेरिया समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, आप एक इजी शिप सेलर होने चाहिए। इसका मतलब है करंटली आप इजी शिप के थ्रू ऑर्डर को डिस्पैच करते होने चाहिए। आपके अकाउंट का स्टेटस एक्टिव होने चाहिए और नीचे दिखाए इजी शिप के क्राइटेरियाज मैच होने चाहिए। सेकेंड पॉइंट है, इजी शिप प्राइम से पहले आपको इजी शिप गारंटी डिलीवरी प्रोग्राम में एनरोल होना पड़ेगा। एनरोलमेंट के 30 दिन के अंदर अगर आपको एक गारंटी डिलीवरी ऑर्डर आता है तो आप इजी शिप प्राइम बैच के लिए एलिजिबल हैं। एक और पॉइंट जो यहाँ पे नहीं बताया गया, इजी शिप गारंटी डिलीवरी प्रोग्राम में एनरोल होने के लिए आपको लास्ट 30 डेज में 30 ऑर्डर्स आने चाहिए। अगर आपको इतने ऑर्डर्स नहीं हैं तो आप इजी शिप गारंटी डिलीवरी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं हो और उसी की वजह से आप अमेज़न प्राइम बैच नहीं ले सकते। थर्ड पॉइंट, प्राइम बैच मिलने के बाद आपको सारे ऑर्डर्स को सेम डे या नेक्स्ट डे डिस्पैच करना होगा। तो समझते हैं ये ऑर्डर की आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं और इसके कट ऑफ टाइम्स क्या हैं सेम डे और नेक्स्ट डे डिस्पैच करने के लिए। इस टेबल को एक बार ध्यान से देख लीजिए। प्राइम में आपको दो तरह के ऑर्डर आएंगे। इजी शिप प्राइम गारंटी डिलीवरी ऑर्डर्स के लिए 1:30 बजे से पहले हुए आए सारे ऑर्डर्स को आपको सेम डे डिस्पैच करना है। 2 से 4:15 PM के स्लॉट में 1:40 PM का है। इसका मतलब 1:30 बजे तक आए हुए सारे ऑर्डर्स को आप देर से देर 1:45 PM तक ही बुक कर सकते हैं। 1:46 हो जाने पर इन सारे ऑर्डर्स को आप 2 से 4:15 वाले पिकअप स्लॉट में नहीं ले सकते और ये ऑर्डर्स लॉस हो जाएंगे। वैसे ही 1:30 PM के बाद के ऑर्डर्स दूसरे दिन बुक कर देना है। इसका कट ऑफ टाइम भी आपको 1:45 PM मिलेगा। इससे पहले इनका शेड्यूल पिकअप कर देना है। इजी शिप प्राइम स्टैंडर्ड डिलीवरी ऑर्डर्स के लिए क्राइटेरिया सेम रहेंगे, सिर्फ यहाँ पर आपको पिकअप के लिए 2 स्लॉट मिलेंगे। 1:30 बजे से पहले के सारे ऑर्डर्स को आप 2 स्लॉट में बांट सकते हैं, 11 से 2 और लेट से लेट 2 से 4:15। सो यहाँ पर अगर आप कट ऑफ टाइम ध्यान में रखते हुए सारे ऑर्डर को टाइमली डिस्पैच करते हैं तो आपका प्राइम बैच मेंटेन रहेगा, वरना आपका प्राइम बैच डिसेबल हो जाएगा। फोर्थ, आपको अपने सारे SKUs पर फ्री शिपिंग देना होगा। आप किसी भी प्रोडक्ट पर डिलीवरी चार्ज नहीं ले सकते। फिफ्थ, प्राइम बैच सिर्फ उन आइटम्स पे मिलेगा जो अमेज़न इजी शिप ले जा सकती है। इजी शिप में कुछ प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्टेड हैं, जिसका लिस्ट यहाँ पे आपको दिखाया गया है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है ताकि आप इसे आराम से रिव्यू कर सकें। दिखाए रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट के बाद जिन प्रोडक्ट्स के डायमेंशन और वेट इससे ज्यादा होंगे उन प्रोडक्ट को प्राइम का बैच नहीं मिलेगा। सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट, आपके ऑर्डर फुलफिलमेंट रिलेटेड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स नीचे दिखाए चार्ट के हिसाब से होने चाहिए। इसे आप परफॉर्मेंस में अकाउंट हेल्थ में चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपका परफॉर्मेंस 0.5 से नीचे होना चाहिए। अब प्राइम के लिए अप्लाई करने का फॉर्म फिल करेंगे। इस लिंक पर क्लिक करते ही इजी शिप प्राइम का फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म के अंदर आपको यहाँ पर मर्चेंट टोकन डालना है। उसके लिए क्लिक हियर पर क्लिक करें। ये मर्चेंट टोकन को कॉपी करके आपको वहाँ पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपके अकाउंट की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी लिखनी है। इसका खास ध्यान रखें, आपको सबसे पहले गारंटेड डिलीवरी प्रोग्राम में ही इनेबल होना है। अगर आप डायरेक्टली प्राइम के लिए फिल करेंगे तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। अब इस पर क्लिक करें, सबमिट कर दें। सबमिट करने के 2 वर्किंग डेज के बाद आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर ईमेल कम्युनिकेशन आ जाएगा। अगर आपको अप्रूवल मिल जाता है तो आपको गारंटी प्रोग्राम को इनेबल करना होगा। उसके लिए आपको सेटिंग्स में शिपिंग सेटिंग पर क्लिक करना है। अब स्क्रॉल करके नीचे आ जाएं। अप्रूवल के बाद आपको यहाँ पर गारंटी डिलीवरी का ऑप्शन दिखेगा, जिसे आपको एडिट करके एक्टिव कर देना है। यहाँ पर आपको दी गई शिपिंग फी में किसी तरह का चेंजेस नहीं करना है। गारंटी डिलीवरी इनेबल हो जाने के बाद आपको ऑर्डर्स में जब पहला गारंटी डिलीवरी ऑर्डर आएगा और वो ऑर्डर सक्सेसफुली कस्टमर को डिलीवर हो जाएगा, तब आप वापस आके इस फॉर्म में इजी शिप प्राइम के लिए रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। इसमें भी 2 वर्किंग डेज में आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक ईमेल आएगा। इसमें अप्रूवल आने के बाद वापस से आपको सेटिंग्स में शिपिंग सेटिंग में आना है और प्राइम के बैच को
यहाँ से इनेबल कर देना है। इनेबल करते ही सक्सेसफुली सेलर प्राइम एक्टिव हो जाएगा। मैंने वीडियो में दिखाई हुई सारी लिंक्स को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है आपके आसानी के लिए। और यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इकॉम इनसाइडर को सब्सक्राइब करें।